सो हे गाइस, वेलकम टू दी पाइथन बिगनर्स कोर्स बाय ग्रो योर ग्रेड्स। तो इस लेक्चर में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होता है पाइथन में और कितने टाइप का होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटर जो पाइथन में होता है वो कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी, बिट वाइज लॉजिकल एंड मेंबरशिप। तो इस वीडियो में हम लोग जनरली अरिथमेटिक, कंपैरिजन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि ऑपरेटर कहते किसको हैं। तो ऑपरेटर एक ऐसा टूल होता है जिसके मदद से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल या फिर कोई भी एक ऑपरेशन करने के लिए हम लोग डेटा पे यूज करते हैं, उसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है टूल्स दैट हेल्प डेवलपर टू डू ऑपरेशन ऑन डेटा इज कॉल्ड ऑपरेटर्स। लाइक यहाँ पे जो एग्जांपल दिया, ये अब हम ये सब जो टूल्स हो गया, ये सब क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस होल्ड वर्क करने के लिए। सिमिलरली जो ऑपरेटर होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में, वो डेवलपर को हेल्प करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन डेटा जो होता है उस पर करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर किसको कहते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर तो सिंपली क्लियर हुआ कि इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर एंड पावर, ये सब जो होता है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। तो हम लोग इसको कंपाइलर में चल के देखते हैं और एक एक को अप्लाई करके देखते हैं कि हर एक ऑपरेटर का मतलब क्या होता है और वो कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑपरेटर। तो हम लोग ए एक वेरिएबल ले लें 10 और बी एक वेरिएबल ले लें 20, और हम लोग अगर प्रिंट करें ए प्लस बी, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ए माइनस बी, उसके बाद देखते हैं ए मल्टीप्लाइड बी बी। तो सबसे पहले इतना और इसके बाद प्रिंट ए बाय बी, प्रिंट ए बी एंड प्रिंट स्टार। तो पाइथन में जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है उसके अंदर हम लोग जनरली ये तरह का ऑपरेटर होता है। तो इसको हम लोग चलिए रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आउटपुट में हम देखें तो ए में हम लोगों ने क्या लिया था, ए में लिया था 10 और बी में लिया था 20। तो ए और बी का एडिशन क्या होगा, 30। तो आउटपुट में हम लोगों को 30 मिल गया। ए एंड बी का मतलब 10 माइनस 20 क्या मिलेगा आउटपुट में, -10। तो यहाँ आउटपुट में क्या मिला, -10। ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ये जो स्टार होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइड। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू 200। तो आउटपुट में क्या मिला, 200। ए डिवाइडेड बाई बी, यानी कि अगर हम लोग 10 बाई 20 करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 0.5, राइट। और ए डबल स्लैश बी का इसका मतलब क्या होता है, देखिए ए बाई बी जो होता है वो आपको फ्लोट फ्लोट आउटपुट देगा, फ्लोट देगा। लेकिन जो ए डबल स्लैश अगर हम लोग लगा दें तो यहाँ पर हमको सिर्फ ये इंटीजर पार्ट देगा। मतलब कि जो अगर ए एंड बी जो होगा, ए और बी को डिवाइड करने के बाद क्या है, 0.5। तो अगर एक स्लैश होगा तब यहाँ पर ये जो डेसिमल के बाद जो वैल्यू रहेगा वो भी आउटपुट में मिलेगा। लेकिन अगर दो स्लैश रहेगा तो डेसिमल के बाद का वैल्यू हमको नहीं मिलेगा, सिर्फ डेसिमल के पहले का वैल्यू आउटपुट में मिलेगा। तो ये क्लियर होगा आपको कि एक स्लैश करते हैं और दो स्लैश करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक स्लैश में क्या होता है कि हम लोग को जो डिवीजन जो होता है वो होता है नॉर्मल डिवीजन, और दो स्लैश में क्या होता है कि हम लोग को डेसिमल पार्ट डिस्कार्ड हो जाता है, बिना डेसिमल पार्ट वाला जो आउटपुट होता है वो मिलता है, राइट। और अगर हम लोग ए स्टार स्टार बी करें, इसका मतलब होता है ए टू द पावर बी। अगर हम लोग यहाँ पर ये सब तो अब समझ लिया है, अगर हम लोग यहाँ पर 2 करते हैं और तब अगर प्रिंट करें तो यानी 10 टू द पावर 2, यानी 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 आउटपुट में बनना चाहिए। इसको रन करा के देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए 100 आउटपुट मिल गया। यानी कि अगर डबल स्टार करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ए टू द पावर बी। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर आई होप क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, हम लोग को बुलियन आउटपुट में देता है, बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप किसको कहते हैं, ट्रू या फॉल्स। जैसे कि अगर ए कोई एक वेरिएबल है जिसमें 10 है और बी क्या है, 20 है, तो 10 का ग्रेटर देन 20 है
तो 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20, तो आउटपुट हम लोग क्या मिलेगा, फॉल्स। तो इसी को हम लोग कहते हैं बुलियन वैल्यू। और कंपैरिजन जो ऑपरेटर होता है वो हम लोग को क्या देता है, बुलियन वैल्यू आउटपुट में देता है। तो इसको भी चलिए कंपाइलर में देख लेते हैं, तो इन सभी को हटा देते हैं। तो यहाँ पर ए एंड बी का वैल्यू है, तो यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी। तो ए क्या ग्रेटर देन बी है, यस, यानी कि आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। तो ये क्या मिल रहा है, बुलियन वैल्यू। अब उसके बाद देते हैं ए लेस देन बी, क्या ए लेस देन बी है, नहीं ए लेस देन बी नहीं है, तो फॉल्स मिलना चाहिए, फॉल्स मिल गया, राइट। तो उसी तरह से ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू होता है सिमिलरली। अब हम लोग देखते हैं ये डबल इक्वल और नॉट इक्वल का क्या मतलब होता है। डबल इक्वल का मतलब होता है क्या ए का वैल्यू जो है वो बी के बराबर है, मतलब जो ए का जो वैल्यू है वो बी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस केस में ए क्या है 10 है और बी क्या है 2, तो 10 इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, फॉल्स मिलना चाहिए। लेकिन अगर ए बी का वैल्यू भी अगर मैं 10 कर दूँ तब इसमें क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ट्रू। और इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब होता है क्या ए और बी इक्वल नहीं है, लेकिन ये तो गलत है कि ए भी मैंने 10 लिया और बी भी 10 लिया हुआ, तो ये दोनों तो इक्वल है। तो नॉट इक्वल यानी कि क्या होगा, उसका अपोजिट मिलेगा, मतलब जो कंडीशन होगा उसका अपोजिट आउटपुट में हमको मिलेगा। यहाँ पर क्या है, ए और बी इक्वल है, यानी कि आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, ट्रू। लेकिन यहाँ पर ये जो सिंबल है इसके कारण हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, फॉल्स। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए आउटपुट में हमें क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया। तो अगर हम लोग ए और बी का वैल्यू डिफरेंट कर दें, तो यानी कि अगर हम लोग को नॉर्मल आउटपुट क्या मिलना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी, नो ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ए 10 है और बी 100 है। तो लेकिन यहाँ पर क्या लगा, ये सिंबल, ये सिंबल का मतलब क्या होता है, नॉट। ये क्या करेगा, जो आउटपुट होगा उसको तो ट्रू कर देगा, यानी कि इसका आउटपुट क्या आएगा इस समय, ट्रू। तो आई होप क्लियर होगा कि ये सिंबल अगर हम लोग इक्वल के सामने लगा दें तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, यानी कि जो नॉर्मल रिजल्ट होता है उसका अपोजिट रिजल्ट हम लोग को आउटपुट में मिलता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर भी आए हो, आप सभी को क्लियर होगा। अब देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि एक वैल्यू, एक कोई वेरिएबल है उसका वैल्यू हम लोग दूसरे वेरिएबल में असाइन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर हम लोग यहाँ पे b इज इक्वल्स टू a कर दें और प्रिंट b करें, तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। आउटपुट में क्या मिलेगा, 10। तो ये हो गया पहला असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब क्या कि जो a का जो वैल्यू है उसको हम लोग किस में असाइन कर दिए, b में असाइन कर दिए। अब देखते हैं दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर। दूसरा क्या है, प्लस इक्वल्स टू, मतलब a प्लस इक्वल्स टू, सपोज अगर हम लोग बी इज इक्वल्स टू 20 ले लें और बी और सी इज इक्वल्स टू, ओ बी इज इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू ए, तो इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसका मतलब ये होता है, मतलब जो प्रीवियस वैल्यू ऑफ बी है वो, यानी इस केस में क्या है 20, तो 20 प्लस वैल्यू ऑफ ए, ए कितना है 10, यानी कि अगर मैं यहाँ पर भी, प्रिंट बी कर दूं और उसके बाद अगर अगर फंक्शन को रन कराऊं, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, बी का वैल्यू 20, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने अर्थ में असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया है। और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करने के बाद यहाँ बी का वैल्यू क्या था, 20 और प्लस 10, तो बी का वैल्यू क्या हो गया, 30। यहाँ पर आउटपुट में 30 मिल गया। अब उसके बाद देखते हैं अगर हम लोग यहाँ पर माइनस इज इक्वल्स टू ए कर देंगे, तो इसका मतलब होता है बी माइनस ए, बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। तब यहाँ पर आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 20 माइनस 10, यानी कि बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आउटपुट में हम लोग देखते हैं इनिशियल वैल्यू क्या था, बी का 20, और असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद क्या हो गया, 10 हो गया। उसके बाद देखते हैं मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू, इसमें क्या हो जाएगा, बस आपको मिडिल का जो ऑपरेटर है वो चेंज करना है। तब इस केस में क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 200। तो आउटपुट में देखते हैं,
इनिशियल था 20, बाद में 10 से मल्टीप्लाई होकर 200 हो गया। उसी तरह डिवीजन भी होता है, डिवीजन में भी इनिशियल वैल्यू 2 था और 20, सॉरी इनिशियल वैल्यू 20 था, 20 डिवाइडेड बाई 10 इज 2.0। तो आई होप असाइनमेंट ऑपरेटर भी आपको क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।